मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में ट्रेड यूनियन एक्ट 2 से संबंधित मोटर चालक यूनियन चालकों की एक आवश्यक बैठक रेलवे यूटर्न रोड खरगोजी के फुलवारी में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद सद्दाम कर रहे थे। बैठक में चालकों ने यूनियन की मजबूती के लिए सभी प्रकार के मोटर वाहन चलाने वाले चालकों को यूनियन से जोड़ने की आवश्यकता है। साथ ही चालकों की समस्याओं को लेकर सचिव भूषण सिंह ने कहा कि रात दिन मौत का सामना करते हुए आम लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ पूरे सरकारी एवं गैर सरकारी व्यवस्था को संचालित करने में मोटर चालकों का अहम भूमिका निभाने वाले मोटर चालकों पर सड़क पर अपराधियों व प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे, तो दूसरी ओर सड़क दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने वाले चालकों के परिजनों को मुआवजा देने में पूरा सरकारी महकमा नाकाम है। सरकार व प्रशासन इसे देखते हुए और चालकों को सुरक्षा प्रदान करने व दुर्घटना में मृत्यु होने वाले चालकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने सहित अन्य समस्याओं के समाधान हेतु 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक संपर्क एवं ध्वनि विस्तार यंत्र से प्रचार प्रसार अभियान चलाने और 7 अक्टूबर को सभी चालकों का विशाल सम्मेलन सिंचाई विभाग कार्यालय जयनगर परिसर में आयोजित करने का आह्वान किया गया। बैठक को मोहम्मद सद्दाम, अशोक गिरी, मोहम्मद इम्तियाज, श्याम सुंदर राय, मोहम्मद जुबैर आल, मोहम्मद नासिर, नरेश मंडल, प्रदीप गोयत, रोशन कुमार, बेचन राम, सुरेश कुमार पासवान, मोहम्मद सद्दाम, रघुवीर राय व अन्य ने संबोधित किया। जयनगर से संवाददाता संतू नायक की रिपोर्ट।